हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक रहने वाली ट्रांसफार्मर, अर्थात हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर के बारे में लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात जो आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों, ये आज कक्षा 12 के लिए ही नहीं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम प्रयास करेंगे कि एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको ट्रांसफार्मर समझाया जाए और बिल्कुल कम से कम समय में आपको ट्रांसफार्मर समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा कि ऐसे ट्रांसफार्मर, ये आपका, आप जब आप घर में या आपके घर के बाहर या आपके गांव में, आपके शहरों में जहां आप ट्रांसफार्मर देखते होंगे तो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार बना रहता है, इस प्रकार लगाया गया रहता है। अब आपके मन में कुछ चीजें उड़ती हैं कि ये प्राथमिक कुंडली, ये जो द्वितीय कुंडली आपको दिखाई पड़ रहा, ये सब तो आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ता ट्रांसफार्मर के बाहर। तो भाई ट्रांसफार्मर के सब ये अंदर वाले भाग होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर ये सब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली बनाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब पहले तो हम चर्चा करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर होता क्या है भाई? ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, या हम कह दें प्रत्यावर्ती धारा को, बदला जा सकता है। यानी बदला जाने का मतलब ये नहीं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में हम बदलने की बात कर रहे हैं, नहीं प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर किया जा सकता है या ज्यादा किया जा सकता है, यही इसका मेन काम होता है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती करंट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अर्थात ये ट्रांसफार्मर दो कार्य करता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है। यानी इसके कार्य करने के आधार पे ट्रांसफार्मर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्यारे बच्चों, कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है आपका जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज करता होगा, उसे हम कहते हैं अपचारी ट्रांसफार्मर, और जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक बार फिर से, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? दो प्रकार का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचारी ट्रांसफार्मर होता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला अपचारी ट्रांसफार्मर कहलाता है, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अन्योन प्रेरण क्या होता है? प्यारे बच्चों, तो मैंने अन्योन प्रेरण की क्लास इससे पिछले वाली चैप्टर में पढ़ा के रखा। प्यारे बच्चों, यदि आप वहां पर नहीं देखे हैं तो वो चीज जाके जरूर देखिएगा, अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण यहां समझने के लिए आप केवल इतना समझिएगा कि जो आप प्राथमिक कुंडली में यहां घटना घटित होगी वो आपके द्वितीय कुंडली में भी घटना घटित होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम बातें जो किए हैं वो चीजें थोड़ी सी लिखने का प्रयास करते हैं। आखिर ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लिया जाए थोड़ा सा। गाइस देखते हैं, हम लोग जो हमने समझा था अभी तक वो चीजें यहां पर लिख दी गई हैं। यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह एक ऐसी डिवाइस होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाने और बढ़ाने का यह एक युक्ति होती है, यह एक उपकरण होता है। अब बात आती है कि
यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है प्यारे बच्चों? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके सिद्धांत पे आधारित होता है? जो ये ट्रांसफार्मर होता है वो आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे क्या होता है? आधारित होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी हम बात करें जो निम्न वोल्टेज होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको जो वोल्टेज आपके पास घर पे आ रही है वो वोल्टेज यदि कम है, वोल्टेज कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज बनाने के लिए, कम वोल्टेज का मान ज्यादा वोल्टेज में प्राप्त करने के लिए हम कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अर्थात यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या कर देता है? बदल देता है। अब हम बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर का। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है प्यारे बच्चों? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। यानी कभी कभी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जैसे आप जो भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस चला रहे हैं उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाने के लिए निम्न वोल्टेज की जरूरत है और वोल्टेज बहुत हाई है, उच्च वोल्टेज है, तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए हम लोग अपचारी ट्रांसफार्मर का क्या कर लेते हैं भैया? उपयोग कर लेते हैं। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचारी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? यदि इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी तो अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में, अर्थात ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में। अभी तक केवल केवल हम लोगों ने देखा था ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित होता है, और उसके बाद हमने देखा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना अर्थात ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अब हम टॉपिक की चर्चा करेंगे संरचना की। तो गाइज हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की संरचना अर्थात ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है वो किस प्रकार होती है। सबसे पहले तो आइए हम इधर की तरफ चित्र में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में एक जो होता है ना, ये जो बीच वाला भाग है, जो बीच में ये खाली है, इस खाली वाले भाग में, जिस खाली ये जो खाली वाला भाग है इसे हम क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? क्रोड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोड। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? क्रोड। अर्थात ट्रांसफार्मर में एक क्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है? एक क्रोड लगा होता है जो कि कई परतों से, कई पटलों से मिलाकर बना होता है। और ये पटल किसके बने होते हैं भैया? नर्म लोहे के पटल होते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि आप अगर सोच रहे होंगे कि सर जी ये जो क्रोड है वो कई पट्टियों से बनाने के बजाय क्या सर ये ऐसे, जैसे इसका एक परत इस प्रकार तैयार किया जाता है, ऐसे ऐसे करके ये कई पट्टियों से मिला के बनाया जाता है। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर जी इतनी इससे बढ़िया है कि हम एक को ऐसे इतनी मोटी पट्टी डायरेक्ट न लगाते हैं, क्यों ऐसे ऐसे इतनी पट्टियां लगाई जाती हैं? तो भैया आप डायरेक्ट ऐसी एक मोटी सी पत्ती यहां तो लगा देंगे, परंतु ये मोटी सी पत्ती यहां इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि उस ट्रांसफार्मर के अंदर एक भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और वो भंवर धाराएं इसको, इस पूरे पट्टी को गर्म कर देगा, तप्त कर देगा, लाल कर देगा। इसलिए हम एक सिंगल पट्टी का उपयोग नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, परंतु ये जो कई पट्टियों से मिलाकर, कई पट्टियों से पतली 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 कई पट्टियों से मिलाकर ये जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर का प्यारे बच्चों क्रोड बनाया जाता है, तब जब इसके अंदर जब अब भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो ये ट्रांसफार्मर की जो एक दो तीन चार कई पट्टियां है ना, जो क्रोड की कई पट्टियां, उनमें से
कुछ ही पट्टियां गर्म होंगी, परंतु बाहर की पट्टियां गर्म नहीं होंगी। इसलिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो कई प्लेटों से मिलकर बने होते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ आ रही प्यारे बच्चों? एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं, वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, साथ में जो नर्म लोहा होता है वो कई प्लेटों में मिलकर बना होता है, कई प्लेटों से जुड़कर बना होता है। यानी हमारे कहने का मतलब है ये क्रोड जो है कई प्लेटों से मिलकर, कई पतली 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 कई पट्टियों से मिलाकर बनाई जाती है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब प्यारे बच्चों हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्लेटें हैं, देख रहे हैं एक प्लेट दो प्लेट, इन प्लेटों के बीच देखिए जगह छूट जा रहा है। जब हम प्लेटों को जोड़ते हैं तो प्लेटों के बीच जगह छूट जाता है, और इस प्लेटों के बीच में जो जगह छूट जाता है इस पे लेप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों? लेप लगा दिया जाता है। जिस कारण इस कारण लेप लगा दिया जाता है, अगर लेप ना लगाया जाए, प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। यानी ट्रांसफार्मर में अगर कहीं भी खाली जगह आप छोड़ोगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो भंवर धाराएं होती हैं वो ओरिजिनल करंट का, अर्थात जो आप करंट उसमें ट्रांसफार्मर में लेके जा रहे हो वो उसका विरोध करेंगी, और आप जिससे विरोध करने के कारण जो भंवर धाराएं ओरिजिनल करंट का विरोध करेंगी और ट्रांसफार्मर आपका जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए ट्रांसफार्मर में हम कहीं भी खाली जगह छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जब जहां खाली जगह होगा वहां भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के बाद वो ओरिजिनल करंट का क्या करती है? विरोध करती। इसलिए हम लोग कहीं पर भी खाली जगह नहीं छोड़ते हैं प्यारे बच्चों। एक बार फिर से बताते हैं, अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सर जी ये तो काफी जगह यहां छुटा, ये यहां भंवर धाराएं क्यों नहीं उत्पन्न होती? भैया हम बता दें, ट्रांसफार्मर जो क्रोड में खाली जगह होता है, जो क्रोड के अंदर खाली जगह होता है वो जो होता है उसमें हम लोग क्या भरते हैं? निफ्था आयल भरते हैं। क्या भरते हैं प्यारे बच्चों? निफ्था आयल भरते हैं। निफ्था आयल इसलिए भर दिया जाता है जिससे कि पूरा के पूरा टंकी जो है भरा रहे, कहीं खाली स्थान न छूटे। खाली स्थान छूटने के कारण वहां पर भंवर धाराएं क्या हो जाएंगी? तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी। तो भैया क्रोड के अंदर क्या भर दिया जाता है? इसमें एक टैंक होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? टैंक होता है। उसी टैंक में इस क्रोड को पूरा क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है, और उसी में निफ्था आयल भी भरा रहता है, तो पूरी टंकी भर जाती है, कहीं पर खाली जगह नहीं रहता। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती हैं। ये जो ट्रांसफार्मर की प्यारे बच्चों ये जो क्रोड है, ये वाली जो क्रोडे हैं, ये जो बनाई गई हैं, ये नर्म लोहे कच्चे लोहे की पट्टियों से बनाई जाती है, और ये कच्चे लोहे की जो पट्टियां होती है वो विद्युत रोधी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? विद्युत रोधी होती है। अब आगे यहां पर कह रहा है, क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होने के लिए, क्रोड के अंदर भंवर धारा कम उत्पन्न हो इसीलिए तो इनकी जो क्रोड की पट्टियां होती हैं वो पटलित बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? पहले जो पटलित बनाई जाती हैं, इस प्रकार थोड़ा पटल नुमा बनाए जाते हैं। ऐसे देखिए लिखा ना, क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न करने के लिए पटलित किया जाता है, यानी इस पूरे क्रोड को ही पटल नुमा का आकृति दे दिया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अब हम आगे की तरफ चलते हैं इनकी संरचना के बारे में। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्राथमिक कुंडली, वहां पर दिखाई पड़ रहा होगा द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉयल, और द्वितीयक कुंडली मतलब होता है सेकेंडरी कॉयल। अब वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या कर रहा है भैया कि क्रोड के किसी एक भुजा पर, तांबे के तार को, कई फेरा लपेट कर। भैया एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, ऐसा चीज कहीं नहीं मिलने वाली है कि क्या हमने बताया था, क्रोड के किसी एक लंबी भुजा पर तांबे के फेरे को लपेट कर, तांबे के तार का कई फेरा लपेट कर एक कुंडली बना दी जाती है जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली की खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों? कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है।
फिर से एक बार बता रहे हैं प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि क्रोध की जो सबसे लंबी भुजा होगी, क्रोध के सबसे लंबी भुजा पर ताबे के तार के कई फेरे लपेट कर, ताबे के तार के कई फेरे लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और इस प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं। यही चीज यहां पर लिखा गया है, क्रोड की एक भुजा पर ताबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है, यही आपकी प्राथमिक कुंडली कहलाती है। तो अब आपके मन में जो प्राथमिक कुंडली के बारे में प्रश्न उठ रहा होगा, आप जान गए होंगे प्राथमिक कुंडली क्या होता है। प्यारे बच्चों, अब उसी प्रकार हम द्वितीयक कुंडली के बारे में जान लेते हैं। द्वितीयक कुंडली क्या होती है कि प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर ताबे के कई फेरे लपेट दिए जाए, ताबे के तार का कई फेरा लपेट कर एक कुंडली बना दिया जाए जिससे आपको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इससे आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, इसे ही हम द्वितीयक कुंडली का नाम देते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर ताबे के तार का कई फेरा लपेट कर, ताबे के तार के कई फेरे को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिससे हम वोल्टेज को प्राप्त करते हैं, जिससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। निर्गत मतलब प्राप्त होना, या आपको प्राप्त हो रहा है, वही द्वितीयक कुंडली कहलाती है। ये देखिए लिखा है, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा में ताबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बना दी जाती है जिससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं, वो आपकी द्वितीयक कुंडली कहलाती है। यही होता है ट्रांसफार्मर की संरचना, और यही होती है ट्रांसफार्मर की बनावट। प्यारे बच्चों, ये आपके, अब ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें नीचे बना के दी गई हैं, जैसे कि आपको अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर दिखाई गई है। अभी हमने थोड़ी सी चर्चा किया था कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर की बनावट में अंतर क्या होता है। बस केवल यही समझना है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, बस। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, और ये आपकी द्वितीयक कुंडली है, और इसके बीच ये जो है ये क्रोड रख दिया गया। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच ये जो नर्म लोहे का आपने क्रोड नहीं बनाया, वही चीज ये रखा गया, देखिए नर्म लोहे का क्रोड बनाया गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर का ये दिखाया जा रहा है, ये किसका बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर की। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है, जरा सा गौर से समझना प्यारे बच्चों। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यही अपचाई ट्रांसफार्मर की खास बात होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि प्राथमिक कुंडली में जो ताबे के तार के लपेटे बनाए जाते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। इसी कारण ये जो होता है ना, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देता है। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि अपचाई ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है ना, उसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, द्वितीयक कुंडली से ज्यादा फेरा लपेट देंगे, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में उच्च वोल्टेज प्राप्त होगा, और जब वही उच्च वोल्टेज द्वितीयक कुंडली में जाएगा तो वहां फेरों की संख्या कम रहेगी और वह निम्न वोल्टेज में क्या कर देगा, बदल देगा। यही प्रोसेस होता है। एक बार फिर से थोड़ी सी, केवल एक मिनट और समय लेंगे आपका। मैंने क्या कहा कि भाई प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। चलो मान लेते हैं ये अपचाई ट्रांसफार्मर है,
ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर वोल्टेज ज्यादा प्राप्त होगा, और जब ये वोल्टेज द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरेगा तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज की मान कम हो जाएगा, और इसे ही तो अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने वाला अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर की। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है प्यारे बच्चों, उसमें क्या कहता है, गजब की बात, उसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। उसमें क्या होता है जानते हो, उसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। एक बार फिर से, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, फेरों की संख्या ज्यादा कर दी जाए, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर की बनावट में किया जाता है, अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दी जाती है जिससे निम्न वोल्टेज जाता है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है जिससे आपको उच्च वोल्टेज मिलता है। और अब उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम यही होता है प्यारे बच्चों कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की संरचना और बनावट समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, यही लास्ट टॉपिक रहने वाली है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होती है, कहीं ना कहीं सैथिल हानि होती है, फिर उसके बाद आपके जो कई प्रकार की हानियां होती है, सैथिल हानि होता है, फिर उसके बाद और कुछ हानि है, उनकी अभी चर्चा हम कर लेंगे लास्ट की क्लास में थोड़ा सा। फिलहाल अब हम इनके क्या चर्चा करने वाले, इनकी कार्य विधि, इनकी ये कार्य कैसे करता है ट्रांसफार्मर। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर की जो कार्य विधि होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में, जब हम ट्रांसफार्मर के इस प्राइमरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं, जब आप इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में जो ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगातार परिवर्तित होता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगातार परिवर्तन के कारण, लगातार परिवर्तित होने के कारण इस सेकेंडरी कॉइल में, इस द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यही इसका कार्यविधि होता है, यही इसका सिद्धांत होता है। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, यहां देखिए लिखा भी गया है कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्राथमिक इस पूरे प्राइमरी वाले कॉइल में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और तथा धारा परिवर्तन के कारण, प्रत्यावर्ती धारा लगातार परिवर्तित होती रहती है, इसमें धारा परिवर्तन होगा, धारा परिवर्तन होने के कारण सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही इसकी कार्यविधि होता है। अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से देखेंगे। अब हम स्टार्टिंग करेंगे प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई पी, पी इसलिए लगाया गया क्योंकि प्राइमरी यानी प्राथमिक की बात हो रही है। ई पी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है एन पी नाम दे, और सेकेंडरी कॉयल में फेरों की संख्या क्या नाम दे, एन एस नाम दे। एन पी और एन एस का मतलब आप समझ रहे होंगे, पी प्राइमरी के लिए लगाए हैं, एस सेकेंडरी के लिए लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा जानते हैं, क्या होगा प्यारे बच्चों, ई पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस, हमने पढ़ा माइनस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, या हम कहते हैं डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये क्या होता है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली के फेरों से बद्ध, प्राथमिक कुंडली के फेरों से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ही तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो जितना इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही विद्युत आवेश बल के बराबर हो जाएगा। ये एक फेरे की बात हो रही है और आपने फेरों की संख्या कितनी माना है एनपी, तो ये एनपी का गुना हो जाएगा। एक बार फिर से, प्राथमिक कुंडली में जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपने लगाया तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा, तो प्राथमिक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसी परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो भैया प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, फेरों की संख्या एनपी थी, एनपी हो गई। अब भाई समीकरण नंबर ये क्या हो गया, एक हो गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये चीज लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, अन्योन प्रेरण के कारण, क्या, अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई एस नाम देते सेकेंडरी कॉइल के, माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से देखिएगा, वहां मानेंगे डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, जितना चुंबकीय फ्लक्स इससे परिवर्तन होगा उतना वहां भी होगा, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, वहां फेरों की संख्या केवल बदलाव रहेगी, तो एन एस हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब हम करते क्या प्यारे बच्चों, समीकरण एक बटे समीकरण दो, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे देते हैं, समीकरण एक बटे समीकरण दो। तो समीकरण एक क्या है, ईपी है, और समीकरण दो क्या है, ई एस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ये ईपी की वैल्यू है, एनपी, और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी एन एस। प्यारे बच्चों ये चीज कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात लास्ट में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ईपी बटे ई एस इक्वल टू एनपी बटे एन एस, ये रिजल्ट मिलेगा। यानी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल और द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये रही प्यारे बच्चों इसकी क्रिया विधि, ये रही इसकी कार्य विधि। ठीक, अब हम इसकी चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। अब हमारी अगली टॉपिक होगी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, यानी इसकी दक्षता क्या होती है, दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता, इसके अंदर कितनी पावर होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता या किसी भी युक्ति की दक्षता निकालनी हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो भाई हम करते क्या है कि हम उसको दे कितना है, जैसे कोई मजदूर होता है वो क्या होता है कि हम उसको पेमेंट कितना दे रहे हैं, उसको कितना दे रहे हैं, वो कितना कार्य कर रहा है, वो उसकी दक्षता होती है। उसी प्रकार का बच्चों ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है कि भैया ये कितना आपसे ले रहा है और आपको कितना दे रहा है, यही इसकी दक्षता कहलाती है। अर्थात हम इसको कितना प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे हैं, कितना प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रहे हैं और ये कितना आपको कार्य करके दे रहा है, यही ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अर्थात ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जानते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होगा द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली से या प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा,
प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा गुणे 100। ठीक, ये होता है पहले बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो बता रहा है कि आप द्वितीय कुंडली में कितना ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो, और प्राथमिक कुंडली में कितना ऊर्जा दे रहे हैं, उसी का अनुपात ही ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। या हम इसको दूसरी बातों में करें तो द्वितीयक कुंडली में जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसे हम कहते हैं निर्गत शक्ति। क्या हो जाएगी? निर्गत शक्ति, और बटे क्या हो जाएगा जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं निवेशी शक्ति। किसका नाम देते हैं? निवेशी शक्ति। यानी हम यहाँ प्यारे बच्चे ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितना दे रहा है उस पे और कितना ले रहा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नोट पॉइंट बता दे प्यारे बच्चों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर व्यवहार में हो, व्यवहारिक जीवन मतलब अपने जब हम लोग उपयोग में लाते हैं, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं बना प्यारे बच्चों कि आपसे 100 एम्पियर करंट ले, आपको 100 एम्पियर करंट दे। कुछ ना कुछ करंट वो जो है अपने अंदर खपत कर ही लेता, कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि वहां पर हो ही जाती है भैया। तो ये इतनी हो गई, और बात करते हैं और व्यवहारिक जीवन में, किसमें भैया? व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 95 से 98% होता है प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर की दक्षता ये होती है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। यदि कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। परंतु ये लेक्चर आपका तैयार रहना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। हे गाइस, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस, आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा था, इसका आज लास्ट हेडिंग है, जो कि लास्ट हेडिंग आज की रहने वाली है प्रत्यावर्ती धारा जनित, जिसे आप डायनमो के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। और आज ये जो हेडिंग है ये चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल बताने के बाद। प्यारे बच्चों, एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये हेडिंग कक्षा 10 वाले के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में कक्षा 10 वाले के बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर पक्का है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन पूछता है कितने नंबर? 7 नंबर का यहां से प्रश्न बनता है। अकेले ये क्वेश्चन 7 नंबर देके जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग जो है अपने प्यारे से दोस्तों, चाहे कक्षा 10 वाले हो चाहे कक्षा 12 वाले हो, उन सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, सबको आज डायनमो के बारे में समझ में आ जाना है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अब समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित, अर्थात जिसे आप डायनमो के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? डायनमो के नाम से जानते हैं, आखिर वो होता क्या है? अब अगर हम बात करें डायनमो के बारे में, तो डायनमो का चित्र आपको बाहर बनाया गया है, ये डायनमो के अंदर के भाग बनाए गए, बाहर वाले भाग नहीं, डायनमो के अंदर का भाग बनाया गया भैया। अब डायनमो क्या होता है? डायनमो एक प्रकार का उपकरण होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है भैया। डायनमो एक प्रकार का यंत्र होता है, जैसे मैंने कहा मार्कर क्या है? व्हाइट बोर्ड पे लिखने का एक जुगाड़ है, एक उपकरण है ना? उसी प्रकार डायनमो एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसमें भैया? जिसकी सहायता से
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि आखिर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आप इसको ऊर्जा जो इसको गति कराने में या इस हम कह दें यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है प्यारे बच्चों। तो यांत्रिक ऊर्जा वो होता है जो आप इसको इसको करने में यानी इसको कुंडली को जो घुमाओगे ना तो घुमाने में भी जो आप ऊर्जा व्यय करोगे वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होगी। अभी हम चर्चा करेंगे कि ये कार्य कैसे करता, तो वहां पर आपको जरूर समझ में आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा कैसे यहां पर हो रहा है। ठीक, तो पहले अभी हमारा केवल एक मकसद है कि ये समझना कि आखिर ये होता क्या है। ये बात समझना है, डायनमो एक प्रकार का भैया उपकरण होता है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि भैया ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। भैया ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये देखिए, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग जब फैराडे के नियम पढ़ा रहे थे तो वहां पर खूब डिटेल से चर्चा की है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके तुरंत देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको वहां समझ में आएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। फिलहाल एक बार हम यहां चर्चा कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। अगर पूरे डीप में जानना है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में चर्चा करें तो वहां पर बताया गया था कि जब किसी भी चुंबक या किसी भी चुंबक से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबक से निकलने वाली या चुंबक से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनकी संख्या में परिवर्तन होता है। उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्यारे बच्चों वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न हुआ रहता है उसी कारण का क्या करता है, विरोध करता है। यही चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। तो भैया ये जो डायनमो होता है ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही होंगी? उम्मीद है कि अभी तक आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों। बात यह है कि यहां आज डायनमो की टॉपिक की बात नहीं, ये भाई 7 नंबर की बात है। हाई स्कूल वाले प्यारे बच्चों ये लिख लेना, 7 नंबर नहीं आए ना तो आके मिल लीजिएगा 7 नंबर। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, हाँ एक होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित। ये देख सकते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित, एक दिष्ट धारा जनित। अर्थात एक एसी करंट उत्पन्न करता है और एक डीसी करंट उत्पन्न करता है। एक बार फिर से भैया, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित, एक डीसी धारा जनित, जिसे आप एसी एसी के नाम से भी कह सकते हैं, और ये आपका डीसी। ठीक भैया, तो अगर हम बात करें ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित और दिष्ट धारा जनित। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा के कितने भाग होते हैं या प्रत्यावर्ती धारा कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि शक्तिशाली 2 चुंबक लगे हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 शक्तिशाली क्या है, चुंबक है। शक्तिशाली क्या है, चुंबक है। यानी पहला चीज कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में 2 शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, 2 शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। अब प्यारे बच्चों इनका काम क्या होता है,
इनका काम क्या होता है, जिनके बीच आर्मेचर, जो बीच में रखा गया है इसे क्या कहते हैं भैया, आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर, या तो इनका एक नाम और है कुंडली। ठीक, ध्यान से समझिएगा भैया, जिनके बीच आर्मेचर को रखकर तेजी से घुमाया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई कि भैया शक्ति इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दो ठोस शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। तो भैया जब शक्तिशाली चुंबक लगा होता है तो इनका काम क्या रहता है बता दीजिएगा, कि इन्हीं के बीच तो आर्मेचर को रख के घुमाते हैं हम लोग, इन्हीं के बीच में आर्मेचर रखते हैं और उनको तेजी से क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्या इतनी बात समझ में? तब तक प्रश्न उठा भाई आर्मेचर क्या होता है, अब आप बताइए आर्मेचर क्या होता है। भाई मैंने कई बार चर्चा किया है भाई, आर्मेचर अर्थात कुंडली। अब क्या होता है ये ध्यान से आप समझिएगा, ये नर्म लोहे का एक क्रोड होता है प्यारे बच्चों, नर्म लोहे का एक आयता नुमा कुंडली, यानी आप एक नर्म लोहे का क्रोड ले लीजिएगा ऐसे करके। अब इनके ऊपर तार के कई फेरे आप क्या कर दीजिएगा, लपेट दीजिएगा, तो ये क्या कहलाती है भैया, ये कुंडली कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंडली कहलाती है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? यानी यह नर्म लोहे के क्रोड का बना हुआ होता है जिसके ऊपर तार के कई फेरे लपेटे गए होते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? आपने जान गए शक्तिशाली चुंबक क्या होता है, आखिर आर्मेचर क्या होता है। अब आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि दो ठो C1 और C2 दो ठो वलय होते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए ये इसमें दो वलय भी लगे होते हैं, तो आपको यहां देखिए मैंने बता के रखा है, एक क्षेत्र चुंबक होता है एक आर्मेचर होता है, इन दोनों के बारे में आप जान चुके हैं। तीसरा है एक सर्पी वलय, सर्पी का मतलब होता है गोलाकार। भैया ध्यान से देखिएगा, इसमें दो ठो वलय लगे होते हैं जो कि छल्ला नुमा होते हैं, जो कि गोल आकृति की होती है, जिसका आकार गोला होता है। एक बार फिर से, ये भिन्न भिन्न धातुओं की बनाई गई होती है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इन्हीं के सहारे ये जो आर्मेचर रखी गई है ना, वो आर्मेचर इन्हीं के सहारे क्या हो करती है, घूमती है। इन्हीं के सहारे क्या करती, घूमती है, या हम कह दें इन्हीं के सहारे आर्मेचर जो है इसी पे रखी रहती है। अब आर्मेचर इन्हीं के सहारे कसा रहता है, जिससे उसी के अंदर आर्मेचर क्या होता, घूमता। आप एज एग्जांपल समझो प्यारे बच्चों कि ये एक भाग, ये वलय का एक भाग हो गया, एक वलय का ये भाग हो गया। अब इन दोनों वलय के भाग में रखकर अब उस कुंडली को रख दिया जाएगा, अब जिससे वो कुंडली इसी के अंदर क्या करेगी, घूमेगी। ये एक जगह स्थिर रहता है ऐसे करके, ऐसे करके। सर्पी वलय ये है, आपने अगर घर पे विद्युत मोटर चलाए होंगे या कुछ भी चलाए होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो पानी के अंदर पाइप डाली जाती है, उस पाइप को कसने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक वलय लगाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो कि यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो सर्पी वलय है ना, ये जो सर्पी वलय है वो इस नुमा होता है, इसके सहारे आर्मेचर यानी इसके सहारे कुंडली क्या होती है, कसी होती है। अब इसी के अंदर कुंडली क्या करती है, घूमती है। ये सर्पी वलय आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा, चित्र पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां पर देख सकते हैं सर्पी वलय। यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई, आप सर्पी वलय को स्क्रीन पेज पे देखिए। आप अगर थोड़ा सा कहीं प्रैक्टिकली रूप से किए होंगे तो आप जानते हैं सर्पी वलय भैया, इसके सारी आर्मेचर कुंडली क्या होती, कसी होती है और भिन्न भिन्न धातुओं की बनाई होती है। अब हम बात करते हैं इसी में दो ठो ब्रुश लगा होता है, ये देखिए ये दो ब्रुश लगे होते हैं यहां से लेके यहां तक, ये भैया ये जो ब्रुश होते हैं ये एक ये और एक ये दोनों ब्रुश होते हैं, यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भाग हैं, चार ठो, एक ब्रुश, एक वलय, एक आर्मेचर, एक शक्तिशाली चुंबक। अब देखिए ये ब्रुश का काम क्या होता है, ये कार्बन तथा भिन्न धातुओं की भी बनी हो सकती है, ऐसी नहीं मैं कह रहा हूं भाई ये कार्बन का ही बनेगा, ये कार्बन तथा भिन्न भिन्न धातुओं की भी बनी होती है। अब इन ब्रुशों का काम क्या रहता है जानते हैं? ये ब्रुश केवल इस परिपथ को, इस तार को इस वलय से जोड़े रहते हैं, आप समझे?
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इधर देखिए, ये आपका जो ये रिंग दिखाई पड़ रही होगी आपको, ये वलय का काम कर रहा है। वलय इस प्रकार आर्मेचर के ऊपर लगाया रहता है, आर्मेचर वलय के अंदर रहता है। बात समझिएगा जरा सा भैया, ये मार्कर जो है इस समय आर्मेचर है, इस आर्मेचर का ये वाला भाग, ठीक, इस प्रकार। अब आर्मेचर वलय के अंदर होता है, वलय आर्मेचर के बाहर होता है। अब वलय इस आर्मेचर को कस के रखा रहता है। अब जो ही ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ही ऐसे ऐसे घूमेगा, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, तो भाई आप हाथ से यहां घुमा रहे हैं, वहां हाथ से तो घुमाएंगे नहीं, वहां तो आपको घुमाने के लिए किसी न किसी उपकरण की जरूरत पड़ेगी। तो इस आर्मेचर को हम लोग मोटर के द्वारा घुमाते हैं, किसके द्वारा, मोटर के द्वारा घुमाते हैं। अब जैसे ही ये समझिए कि मोटर के द्वारा घूमना स्टार्ट करेंगे, तो ये परिपथ आधे चक्कर में ऐसे होगा, फिर अगले चक्कर में ऐसे हो जाएगा। तो एक चक्कर और दो चक्कर, ज्यो ज्यो ये एक दो चक्कर घूमेगा, ये जो परिपथ है वो ऐसे ऐसे करके, जैसे तार मुड़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक। तो वो क्या होता है, एक समय आने के बाद ये परिपथ टूट जाता है, परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। इन्हीं सब से बचने के लिए, इन्हीं सब से बचने के लिए वलय के ऊपर ब्रश लगा दिया गया, ब्रश से तार को जोड़ दिए गए। अब जैसे ये देखिए, ये ब्रश हो गया, अब क्या होगा, ये ऐसे वलय को केवल ओनली टच किया रहता है, ऐसे ऐसे करके। अब ऐसे जब ये टच किया प्यारे बच्चों, अब ये आर्मेचर अपना घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहे, घूमता रहे, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तार आपका ब्रश से जुड़ा है, तार के सहारे करंट इसके अंदर जा रहा है, ठीक। यानी ये ब्रश जो होता है, ये कार्बन धातु की बनी होती है, ये केवल 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 क्या करता है जानते हैं, इसको स्पर्श किया रहता है, इसको क्या, इस प्रकार देखिए, ये आपका वलय हो गया, इसको ये स्पर्श किया। अब आप चाहे वलय के घुमाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और न तो ये आर्मेचर को घुमाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जिससे लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है और लगातार आर्मेचर घूमता रहता है। आर्मेचर घूमने के कारण यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आप अब बताइए प्यारे बच्चों, क्या इनके जो भाग थे वो आपको समझ में आ गए। भैया दो ठो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, क्या दो ठो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, आखिर इनका काम क्या होता है, इनके बीच कुंडली को रखकर, आर्मेचर को रखकर तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, क्या किया जाता है, तेजी से क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, घुमाया जाता है। आखिर भैया आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, लोहे की एक क्रोड की, लोहे की एक क्रोड होता है, जिसके ऊपर तार के कई फेरे क्या कर दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। अब भैया अब अगली चर्चा करते हैं कि दो ठो क्या लगे होते हैं, वलय लगे होते हैं, जो कि छल्लानुमा होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, जो कि गोल टाइप का होता है। और भैया अगला चर्चा करें कि इनका काम क्या होता है, इन्हीं के सारे आर्मेचर जो है, कुंडली जो है कसी रहती है। अब दो ठो ब्रश होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दो ठो ब्रश होते हैं, क्या होते हैं, दो ठो ब्रश होते हैं। अब उन दोनों ब्रशों का काम क्या होता है, ये दोनों ब्रशें कार्बन धातुओं की या अगली धातु अन्य धातुओं की भी बनाई जा सकती है। इनके सारे C1 और C2 जो होते हैं, वो ये C1 और C2 यानी वलय को स्पर्श किए रहते हैं। अब इनके सहारे बाहर से दी जाने वाली जो करंट होती है, आर्मेचर को घुमाने के लिए, आर्मेचर को घुमाने के लिए जो बाहर से आप करंट दे रहे हैं ना, उस करंट को ये आर्मेचर को पहुंचाता है, जिससे अब ये है इनके भाग। अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि आखिर प्रत्यावर्ती धारा जनित कैसे कार्य करती है, आखिर कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इनके बारे में तो कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित जो होता है वो कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। भैया आपके जो विद्युत मोटर आप खरीद के लाते होंगे, उनके अंदर ऐसे दो ठो चुंबक रहता है, उस चुंबक के अंदर ऐसे ये कुंडली रखी रहती, ये सब नुमा बनाए गए रहते प्यारे बच्चों। अब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप बाहर से क्या करते हैं, करंट देते हैं, बाहर से आप क्या देंगे, करंट देंगे, या बाहर से विद्युत मोटर के द्वारा क्या होता है, इस कुंडली को क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। किससे घुमाया जाता है पहले बच्चे, तेजी से इस कुंडली को क्या करते हैं, घुमाता है। वो विद्युत मोटर जो होता है ना, वो विद्युत मोटर इस आयतनुमा कुंडली को क्या किया जाता है, तेजी से घुमाता है। और जब
तेजी से इस कुंडली को घुमाएगा, तो जैसे ही ये कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी, ये कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुंडली घूमेगी, तो इन इन दोनों ध्रुवों के बीच, इन दोनों चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में लगातार परिवर्तन होने लगेगा भैया, उनकी संख्या में लगातार क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। और हम लोगों ने इसे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो वहां पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है प्यारे बच्चों। अब आप वही प्रोसेस यहां पर समझिए कि जब लगातार आर्मेचर को तेजी तेजी से घुमाया जाता है तो आर्मेचर से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब क्यों प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, क्योंकि ये लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और लगातार वो धारा बदलती रहेगी और लगातार बदलने वाले धारा को दिष्ट धारा थोरू कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या इनकी कार्य समझ में आया, इनकी कार्यविधि आपको समझ में आई या नहीं आई भैया, समझ में आया? एक बार फिर से सरसरी नजरों में हम चर्चा करते हैं शुरू से लेके अंत तक, केवल 2 मिनट टाइम आपका और लेने वाले प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के पास जो हाई स्कूल की इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंटर की। भैया ध्यान से, आखिर डायनमो क्या होता है? डायनमो एक ऐसा उपकरण होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, अब आर्मेचर को घुमा रहे हो ना, आर्मेचर को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो भाई आर्मेचर को घुमाने में जो ऊर्जा व्यय हो रही है ना वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को वहां मान लो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। अब बात क्या कर रहा है कि जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा, आप घुमात रहे थे कोल कुंडली को तेजी तेजी से घुमा रहे थे, तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गई, लास्ट में विद्युत ऊर्जा में बदल गई। कैसे बदली, अभी मैंने चर्चा किया था, अभी फिर से कर दे रहे हैं। अब आगे क्या हो रहा है कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। इसमें कितने भाग होते हैं आइए देखते हैं। 2 ठो शक्तिशाली चुंबक लगा होता है, 1 ठो कुंडली होता है, 2 ठो वलय होते हैं और 2 ठो ब्रश होते हैं, B1 और B2। ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन धातुओं के अधिकतर बनाए जाते हैं। वलय क्या होता है भैया, वलय तांबे का छल्ला नुमा आकृति होती है जिसके सारे कुंडली आपकी कसी होती है। कुंडली का होता है लोहे के क्रोड का बना हुआ था जिसके ऊपर तार के कई फेरे क्या कर दिए जाते हैं, लपेट कर बनाए जाते हैं। शक्तिशाली चुंबक भैया, शक्तिशाली ये काफी शक्तिशाली चुंबक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, इनके बीच आर्मेचर को रखकर तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अब इनकी कार्यविधि क्या होती है कि जब हम किसी चुंबक के बीच कुंडली को रखकर तेजी से क्या करते, घुमाते हैं, जब किसी चुंबक के बीच कुंडली को रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो लगातार बदलती रहती हैं। लगातार बदलने के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं प्यारे बच्चों। और इन्हीं सब बात के साथ आज की लेक्चर यहाँ पर समाप्त होती है प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।